पास एक तो ये डायग्राम है सर्किट वाला जो रेजिस्टेंस कनेक्शन हुआ है, इसमें इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। मतलब प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या मांग रहा है इस सर्किट में, हम वो आज फाइंड आउट करने वाला है इसमें। सो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो सर्किट का वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज वो कितना है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ए। और दूसरा आप लोगों का बोल रहा है जो ए ए मीटर है, ये ए मीटर में कितना डिफ्लेक्शन मतलब कितना करंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है, मतलब वो दोनों आप लोगों का फाइंड आउट करने पड़ेगा। मतलब जो ए मीटर करेंट है वाट, और भी जो है भी वाट, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसको जैसे आई टू लिख लिया, इसको भी हम आई वन लिख लेते हैं। इसमें आने वाले करंट की को यहाँ पर आने के बाद करंट हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हमारा आर है, यहाँ पर भी है, तो इसका यहाँ पर जो करंट होगा इसमें करंट कितना है वो पता लग जाएगा। चलिए हम वो पता लगा लेते हैं। हमारा आई कॉस्ट फॉर्मूला क्या होगा, वी बाय आर। सो वी हमारा कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस 8। सो यहाँ पर हमारा आई कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। अब 2.5 एम्पियर जो है यहाँ से लेकर के स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा 2.5 एम्पियर। यहाँ पर आने के बाद हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाएगा करंट। यहाँ पर आने के बाद हमारा करंट डिवाइडिंग रूल लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो है यहाँ पर जितना 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये दोनों यहाँ पर डिवाइड होगा तब भी यहाँ पर हमारा टोटल जोड़ के 2.5 एम्पियर करंट आना चाहिए। चलिए हम आप करंट डिवाइडिंग रूल के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा जो आई टू करंट जितना होगा इतना ही हमारा डिफ्लेक्शन ये एमीटर दिखाने वाले हैं। सो हमारा आई टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए हम अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर आई वन और आई टू में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। चलिए आई वन को सब शुरू में निकाल लेते हैं। करंट डिवाइडिंग रूल में क्या होता है, हमारा दूसरा का मतलब ये आई वन लेने के बाद, ये हमारा तो नहीं हुआ, ये दूसरा का ये होगा, क्योंकि ये लेने के बाद ये हो गया दूसरा, मतलब 1500 फिर 15, इसके बाद यहाँ पर इसी में जोड़ा हुआ है, मतलब ये 13, ये दोनों एक हो गया बाय। यहाँ पर इसके बाद दूसरा के लेने के बाद अपना होगा, मतलब अपना मतलब क्या है, 11। चलिए यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो हमारा ये दोनों है, फिर ये दोनों का दूसरा का मतलब फिर ये दोनों का जोड़ लेंगे, 15 प्लस 13, और करंट कितना है हमारा यहाँ पर इनटू करंट हो जाएगा 2.5 एम्पियर। सो हमारा ये आई वन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर आई वन कितना आ जाएगा, इसका मतलब आयोनिकस टू हमारा 1.89 एम्पियर आएगा। ये हमारा एक ठो हो गया, मतलब आई वन में करंट इतना फ्लो हो रहा है। अब चलिए आई टू में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता लगा लेते हैं। आई टू का फॉर्मूला क्या होगा, फिर आई टू का फॉर्मूला होगा हमारा, अब आई टू मतलब हमारा ए हो गया, आई टू ए हो गया, तो मतलब ये दूसरा के लेंगे 11, ये दूसरा का हो गया। देखिए ये अगर आई टू ये है तो इसका ये तो अपना हो गया, ये तो दूसरा का हो गया। सो यहाँ पर दूसरा का मतलब क्या होगा, 11 बाय यहाँ पर क्या होगा फिर अपना, मतलब 15 प्लस अपना क्या है और 13 है यहाँ पर। सो 13 प्लस फिर दूसरा का, मतलब दूसरा का ये 11 इंटू हमारा जो करेंट था ये 2.5 एम्पियर ये हो गया। चलिए देखिए अब हम यहाँ पर हमारा आई टू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, आई टू फाइंड आउट हो गया। आई टू हमारा कितना होगा, 0.70 एम्पियर। अब आई वन आई इक्वस्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई वन प्लस आई टू इक्वस्ट ये दोनों जोड़ के जो हमारा 2.5 है वो आना चाहिए। देखिए हमारा ये दोनों जोड़ के 2.5 आ जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिए, ये हमारा आ रहा है, हम कैलकुलेट कर लिए। चलिए अब देखते हैं हम हमारा ये जो अब देखिए यहाँ पर करंट हमारा निकल चुका है। यहाँ पर करंट निकलने के बाद अब यहाँ पर बैटरी में यहाँ पर जो सप्लाई है भी ये कितना बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, अब ये कितना होगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए हमारे पास देखते हैं वी इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर ईएमएफ शुरू में सबसे पहले हम यहाँ पर ये करंट हमारा जो है ये आई टू इक्वल्स टू करंट जो है आई टू इक्वल्स टू करंट यही हमारा हो गया। आई टू इक्वल्स टू करंट कितना है, 0.7 एम्पियर, यही डिफ्लेक्शन देगा हमारा एमीटर, एमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा ये दिखाएगा।
चलिए एक तो हमारा ये एक नंबर का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब दो नंबर हम देखते हैं ईएमएफ निकालने के। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे टोटल वोल्टेज, तो हमारा टोटल करंट निकालना पड़ेगा। तो टोटल करंट निकाल लेते हैं। चलिए सर्किट में टोटल करंट कितना होगा देखिए, यहाँ पर ये और ये देखिए दोनों सीरीज में आए, इसको क्या करेंगे 8 + 11 है ये दोनों सीरीज में। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये हमारा ए और ये दोनों सीरीज में हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 11, ये 11, ये 11 और ये दोनों देखिए ये क्या होगा, ये भी सीरीज में है, तो इसका पैरेलल में ये दोनों है। एक बार फिर समझा देते आप लोगों को, देखिए ये 8 हो गया, 8 लिख दिए यहाँ पर, 11 यहाँ पर 11 लिख दिए, और ये देखिए यहाँ पर से 11 यहाँ पर लिख दिए प्लस इसी में कि इस साइड सीरीज होगा, और ये दोनों को जो है इसका पैरेलल में ये दोनों है, मतलब इसका पैरेलल में फिर क्या होगा 15 + 13। सो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 8 + 11 + 11 × 28, ये दोनों को जोड़ के उसके बाद क्या होगा 11 + 28 हो गया। इसको अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 26.89 ओम आएगा। ये हमारा टोटल भी टोटल जो करेंट था वो हो गया। अब टोटल करेंट रहा है हमारे पास, और टोटल टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, और टोटल करंट भी जो यह है 2.5 एम्पीयर टोटल करंट है। अभी ये हो गया तो हमारा वोल्टेज तो वैसे ही निकल जाएगा। चलिए अगर वी ओ कस्ट हमारा फार्मूला क्या होता है, आई और आर। सो आई हमारा क्या होगा 2.5 एम्पीयर, जो यहाँ पर 2.5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों को जोड़ कर भी 2.5 हुआ था। 2.5 × R हमारा कितना निकाला था अभी 26.89। सो इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 67.24 वोल्ट। सो हमारा ईएमएफ कितना होगा, अगर ये बैटरी का वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज 67.24 वोल्ट, ये हमारा बैटरी का कनेक्शन, मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो, यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना होगा 67.24 वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर से इतना सप्लाई हो रहा है। देखिए कितना सिंपल तरीके से सोल्व हो गया है। आप लोग इसी तरीके से सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।